गाइस, दिस इज कोमल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि गाइस, आज का वीडियो होने वाला है मिंत्रा से फेस्टिव कुर्ती हॉल। जैसे कि अब रक्षाबंधन आने ही वाली है और इसके साथ साथ बहुत सारे और फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, तो सभी ने फेस्टिवल्स के रिलेटेड जो शॉपिंग है वो स्टार्ट कर ही दी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं टोटल 4 कुर्ती आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने मिंत्रा के एंड ऑफ द रीजन सेल में खरीदी थी। मैंने बहुत टाइम पहले खरीदी थी लेकिन मुझे डिलीवर बहुत लेट हो रही थी, तो जब मुझे डिलीवर हुई तब मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। तो गाइस, आज के इस वीडियो में सारी कुर्तियाँ आपको 800 के आसपास मिल जाएंगी एंड अभी जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली जो कुर्ती है वो कुछ इस तरह की ग्रीन कलर की कुर्ती है और जिसकी ब्रांड है मोडा रैपिडो, और इसमें मैंने साइज जो ऑर्डर की है वो स्मॉल साइज ऑर्डर की है और पूरी इस तरह से ग्रीन कलर की कुर्ती है। वैसे ग्रीन कलर जो है वो एग्जैक्टली फेस्टिवल हो या फिर वेडिंग सीजन हो उसमें बहुत ही चलता है और उसको पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए ग्रीन कलर तो ज़रूर से बाय करना ही चाहिए। तो ये है ग्रीन कलर की और इसमें इसकी जो प्राइस है वो आई थिंक 750 के अराउंड है। तो इसमें आपको इस तरह से वी नेक मिलता है, 3/4 स्लीव मिलती है और यहाँ पे ये देखिए इस तरह इसकी कोटा पट्टी की बॉर्डर मिल जाती है। नेक में जो बॉर्डर मिलती है वो टोटली आपको इस तरह की पूरी कुर्ती में मिलती है जो कि अंगरखा स्टाइल होती है, कुछ इस तरह की इसकी स्टाइल है ये देखिए। साथ में आपको यहाँ पे बटन डिटेलिंग भी मिल जाती है। ओवरऑल इस कुर्ती का जो फ्लेयर है वो आपको ए लाइन फ्लेयर मिल जाता है और ये अंगरखा में आपको सिर्फ यहाँ पे ये पेटर्न दी गई है और ये सिर्फ कपड़ा आपको ऊपर की साइड से मिलता है। अंदर पूरी ए लाइन कुर्ती है और ऊपर की साइड से इस तरह से ये फ्लेयर मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो गाइस, यहाँ पे इस कुर्ती में आपको पॉलिएस्टर का फैब्रिक मिल जाता है और अंदर की साइड पे आपको कॉटन की लाइनिंग भी मिल जाती है और पूरे फैब्रिक में आपको इस तरह से ये देखिए फॉइल प्रिंट भी मिल जाती है। ओवरऑल पहनने से बहुत ही अच्छा लुक देती है। यहाँ पे इसको मैंने सरारा के साथ पैरअप किया है, आप चाहे तो प्लाजो के साथ पहन सकते हो, लेगिंग्स के साथ भी उसको पहन सकते हो एंड अच्छा से गोल्डन सा क्लच ले लोगे और एक अच्छी सी जूती पहन लोगे तो यू आर जस्ट गुड टू गो फॉर एनी फेस्टिवल। सो गाइस, आगे ऐसे और भी फेस्टिवल के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो आई होप आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हो, उसके लिए नीचे दिखाए गए रेड बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि मेरे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, माय इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड आईडी मेंशन ओवर हियर, और ये सारे कुर्ती की जो पिक्चर्स है वो वहां पे मैं जरूर से पोस्ट करती हूँ, तो उसके लिए हम वहां पे टच में भी रह सकते हैं। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट जो कुर्ती है वो है हियर एंड नाउ की तरफ से एंड इसमें मेरी साइज है स्मॉल, रेयन का फैब्रिक है, ब्लू कलर की कुर्ती है एंड पूरी कुर्ती में आपको इस तरह की फॉइल प्रिंट मिल जाती है। ओवरऑल इस प्रिंट की वजह से इस कुर्ती का जो गेटअप है वो काफ़ी अच्छा आता है। इसमें आपको 3/4 स्लीव मिलती है और यहाँ पे ये देखिए अलग की एक बॉर्डर मिल जाती है जो कि इससे भी हैवी लुक देता है। छोटी छोटी इस तरह की जो ये फॉइल प्रिंट है उसके ऊपर इस तरह से फ्लावर की भी प्रिंट मिल जाती है। राउंड नेक मिलता है आपको इस तरह से एंड यहाँ पे फ्रंट में इस तरह से बटन डिटेलिंग भी मिल जाती है। ये जो बटन्स है उसमें से फ्रंट के ये देखिए कुछ इस तरह की एग्जैक्टली ये पैटर्न है आपको मिल जाती है पूरे वेस्ट लाइन से, और वेस्ट लाइन से पूरी ये अनारकली कुर्ती है, ए लाइन फ्लेयर कुर्ती है, इस तरह से प्लिट्स मिल जाती है वेस्ट से, फ्लेयर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगेन मैंने इसे सरारा के साथ पैरअप किया है, आप चाहे तो लेगिंग्स के ऊपर भी पैरअप कर सकते हो। इस कुर्ती की जो प्राइस है वो 640 रुपीज़ के अराउंड है और इसके में जो फैब्रिक मिलता है वो वाइस्कॉस रेयन का फैब्रिक मिलता है। तो इस फेस्टिवल सीजन में अगर आप कुछ हल्का फुल्का पहनना चाहते हो लेकिन पहनने के बाद बहुत ही अच्छा सा लुक दे, हैवी सा लुक दे, तो ये कुर्ती कुछ उस टाइप की है, तो आप इस कुर्ती को ज़रूर से बाय कीजिए। अगर आपको हैवी चमकीला या फिर कुछ सिल्क के फैब्रिक में नहीं पहनना है, रेयन के फैब्रिक में कुछ हैवी पहनना है, तो ये वाली कुर्ती आप जरूर से ट्राई कर सकते हो। गाइस, यहाँ पे थर्ड जो हमारी कुर्ती है वो इस तरह से ये देखिए इस तरह से ब्राउन, बर्गंडी ब्राउन कलर की जो होता है प्रॉपर उसी तरह की एक कुर्ती है जिसके फ्रंट में आपको इस तरह से गोल्डन कलर के थ्रेड से काफी ज्यादा हैवी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाता है। इस कुर्ती में आपको 3/4 स्लीव मिलती है और स्लीव्स के एंड में इस तरह से आपको लटकन मिल जाते हैं, फैब्रिक के सेम फैब्रिक के लटकन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बैक साइड काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, तो इस कुर्ती में आपको दोनों साइड स्लिट्स मिल जाती है, पूरी स्ट्रेट कट कुर्ती है और पहनने से भी इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगेन मैंने इसको सरारा के साथ पैरअप किया है। इस कुर्ती में आपको वाइस्कॉस रेयन का फैब्रिक मिल जाता है और रेयन के ऊपर आपको ये सारी एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। इसकी जो प्राइस है वो 800 के
आसपास है वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। और इस पूरी कुर्ती की जो लेंथ है वो आपको काफ लेंथ मिल जाएंगी। तो गाइस यहाँ पे ये जो कुर्ती है वो पहनने के बाद काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी लगती है और पहनने से बहुत ही हैवी सा लुक देती है। और इसका जो कलर है वो 100% बहुत ही अच्छा कलर, किसी भी इंडियन स्किन टोन पर इजीली सूट हो जाए इसी तरह का ये कलर है, बहुत ही अच्छा लुक देती है। तो आपको ये कुर्ती मेरी तरफ से, मैं आपको बोलूंगी इस कुर्ती को जरूर से बाय की। तो गाइस यहाँ पे आप इस कुर्ती को बेस कलर के प्लाजो या लेगिंग्स के साथ पैरअप कर सकते हो और इसके ऊपर एक अच्छा सा दुपट्टा ले लोगे तो आपको 100% कॉम्प्लीमेंट मिलने ही वाली है, क्योंकि बहुत ही सिंपल के साथ बहुत ही हैवी अच्छा सा लुक। तो गाइस अब चलते हैं हमारी लास्ट कुर्ती की और, जो कि आज के इस वीडियो में सबसे मेरी मोस्ट फेवरेट कुर्ती है और इस कुर्ती के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये है हमारी लास्ट कुर्ती जो कि आपको गोल्डन एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में मिलती है और आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 750 के अराउंड मिली है। ये देखिए इसमें आपको राउंड नेक मिलता है, 3/4 स्लीव मिलती है और स्लीव में आपको यहाँ पे इस तरह से पूरा वेरिएशन मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे इसको यहाँ पे एल्बो तक आप चाहे तो इसे बांध भी सकते हो। इस तरह की इसकी स्लीव्स है, पूरी ए लाइन कुर्ती है, अनारकली कुर्ती है और फ्रंट में आपको इस तरह का पूरा नेक एरिया मिल जाता है, गोल्डन कलर की यहाँ पे पाइपिंग मिल जाती है एंड वेस्ट लाइन पे आपको ये देखिए यहाँ साइड का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको इस तरह की दूरी मिल जाती है दोनों साइड, जिसे आप अपने वेस्ट के हिसाब से टाई अप भी कर सकते हो। दोनों साइड आपको इस तरह से मिल जाती है एंड इसका फ्लेयर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जनरली आपको सांगरिया ब्रांड में इतना अच्छा फ्लेयर मिलता है, इसके बाद मैंने देखा है तो इस ब्रांड में आपको काफ़ी अच्छा फ्लेयरी कुर्ती मिल जाती है और पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आई। पहनने के बाद ये लुक इतना अच्छा दे रही थी कि चाहे मानो किसी भी फेस्टिवल में आपने पहन ली। यहाँ पे इस कुर्ती को आप वेस्ट लाइन से ये देखिए कुछ इस तरह से इसका फ्लेयर है, काफ़ी बहुत ही अच्छा फ्लेयर है और पूरी कुर्ती में आपको इस तरह की फॉइल प्रिंट मिल जाती है बॉटम के एरिया में, ये देखिए। एंड इसके नीचे मैंने यहाँ पे अगेन बेज कलर का सरारा पहना है, आप चाहे तो इसी फैब्रिक का सरारा मिंत्रा पे अवेलेबल है, जो मिक्स एंड मैच करना चाहते हो तो पहन सकते हो इसी तरह का। पर्सनली पहनने के बाद मुझे बहुत ही पसंद आई है तो आप इस तरह की कुर्ती चाहे तो ज़रूर से इस फेस्टिवल में ले सकते हो, प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, 750 के तक आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगी। तो गाइस यहाँ पे इस कुर्ती का जो फैब्रिक है वो वाइस्कोस रेयन का फैब्रिक है और रेयन के ऊपर आपको इस तरह की फॉइल प्रिंट मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस यहाँ पे लास्ट जो दो कुर्तियाँ थी वो तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट थी, आपको कौन सी पसंद आई वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, क्योंकि आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं वो हमें पढ़ना बहुत ही अच्छा है। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट कुर्ता विथ दुपट्टा हॉल आने वाला है तो उस वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन रखिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।